My name is Ramiz and I study in Karachi. और मुझे गिटार का शौक हुआ लास्ट ईयर से कि मैंने अपने चाचा को एडमायर किया क्योंकि वो भी बजाते हैं गिटार. इसलिए मैंने स्कूल में भी परफॉर्म किया और हमारी क्लासेस भी होती हैं. मैं थोड़ा सा अमर जक्की से भी थोड़ा मुतासर हूँ कि उनके कोक स्टूडियो में जैसा वो गिटार बजाते थे और वो मैंने उधर पाक से ज़मीन बजाया है. अभी तक तो यही बजाया, बाकी क्लासेस होती हैं उसमें भी मैंने ऐसे ही बजाया है. और अभी जो भी पाकिस्तान के स्कूल में थोड़े सी बच्चे हैं जो गिटार बजा सकते हैं और मैं हूँ उनमें से एक. या और कोई ज़्यादा कोई और इंस्ट्रूमेंट ही बजा सकता है कोई. जी मुझे शौक़ तो बहुत है सीखने का. मैं रॉकस्टार भी बनना चाहता हूँ बड़े होकर. पूरी सपोर्टिव फैमिली की तरफ से भी बाबा चाहते हैं कि मैं रॉकस्टार बनूँ क्योंकि छोटे थे तो उनको शौक था गिटार का. लेकिन फिर उनसे हुआ नहीं, इसलिए तो उन्होंने मुझे सिखा रहे हैं गिटार. तो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ जैसे आई ऑल्सो गो टू स्कूल और फिर मैं मतलब स्कूल गई थी तो मैं प्रैक्टिस इतनी कभी कभी कर लेता हूँ वरना तो मुझे काम करना होता है. और फिर वीक डेज पर सर आते हैं मेरे मुझे पढ़ाने. अभी तो एक स्पेनिश में ये सॉन्ग जो आया है डेस्पासितो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजाना. वो तुझे देखा तो जाना था ना. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर अच्छा सा रॉक स्टार बनना चाहता हूँ. मैं बाबा मम्मा को और पूरी फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ. ऐसे बहुत सारे सॉन्ग बोलते हैं कि ये वाले सीखो बहुत सारे, क्योंकि उनको बजाना नहीं आता तो इसलिए मुझे बोलते रहते हैं कि ये वाला सॉन्ग सीखो तुम ये वाला. मैं पाकिस्तान की एक चीज़ में कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा होऊंगा और रॉक स्टार बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में डोनेशंस करके इसको अच्छा पाकिस्तान बनाऊँ. मैं डॉक्टर भी मुझे अच्छा लगता है बनना. अगर किसी को गिटार सीखना हो तो मतलब उसको लगन और उसको सीखना चाहिए और तो फिर वो ऐसे कामयाब हो सकता है. वरना अगर वो नहीं सीखा कि गिटार एक हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ये बजाना इसको दबाना, क्या किसी को ये सीखना है तो उसको बहुत वो करना होगा. मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट दी. मेरे स्कूल फ्रेंड्स टीचर्स और सब की मुझे बहुत सपोर्ट आई, इसलिए अभी मैं इधर खड़ा होकर गिटार बजा रहा था. मैं पहले तो थैंक करना चाहता हूँ अपने मम्मा पापा को, फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट दी, पूरी फैमिली को. और उनकी वजह से मैं अभी इधर गिटार बजा रहा हूँ.